गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और जैसे कि मैंने बताया था ना, मैं सुनील जी वहाँ से सिद्ध बलि मंदिर गए थे ना, हर वहाँ पर उत्तराखंड, और ये है कोटद्वार में। और वहाँ पर जो प्रसाद लाए थे ना ये, वो मैं आपको दिखाऊंगी वो प्रसाद किस चीज़ का था। प्रसाद मैंने चढ़ा दिया है, और प्रसाद में वहाँ पर ये वाला सिंदूर उनका, और देखिए ये वाला गुड़ मिलता है, वहाँ पर गुड़ का ही प्रसाद चढ़ता है। और जो थैली होती है ना, उस थैली में क्या होता है, माचिस होती है, धूप बत्ती होती है, जिसकी आरती पूजा वगैरह होती है, तो ये सब होता है सिद्ध बलि के मंदिर में। और मेरा पूजन वगैरह हो गया है, और ये जो वस्त्र मिला है, ये मिला है उसके अंदर से। और बस अब हम जो चुनरी है वो बांध देंगे अपने घर के ऊपर, और दिन की करेंगे शुरुआत। और आगे स्ट्रगल ऑफ द जो मतलब बैंक से रिलेटेड वर्क हुए थे, शायद वो वाली मैं वीडियो दूंगी। तो सिद्ध बलि में हनुमान बाबा का वो मंदिर है, तो जय हनुमान। और आज मंगल का दिन भी है, तो बहुत ही शुभ दिन है। और जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो आज ही के टाइम हो रही है, फुल ऑफ द लुक मिलेगा। और पहली बार ब्लॉगर बने हैं कौन, मैंने इनसे बोला था सुनील जी से कि जब आप जाओ तो वीडियो बना के लाना। तो आज का जो व्लॉग है वो किसने शूट करा, उसका सिद्ध बलि बाबा के मंदिर का किसके लिए? मेरे लिए ना, सब हाँ, ताकि मतलब सभी मतलब दर्शन कर सके। तो चलिए करते हैं सिद्ध बलि बाबा के दर्शन, और आगे का व्लॉग दिखाऊंगी आपको वहीं का, उत्तराखंड का व्यू बहुत सुंदर है। और इतना अच्छा डेस्टिनेशन है, अगर आप देखेंगे सच में बहुत ही श्रद्धा बढ़ जाएगी आपकी। तो जय महाबली। यह सिद्ध बलि मंदिर का रास्ता, सिद्ध पीठ। जैसे डीएम हो गया ना, ऐसे ही अनुभाग का वो है डीपीओ। और ये मंदिर पे पहुंच चुके हैं, यहीं से अंदर ले लिया, यहीं से लेनी है मंदिर का। मंदिर का इरादा ना, इसका इसका इरादा कुछ और नजर आ रहा मुझे। सारा और ये है तिरुपति पैलेस का रूम, जहाँ पर सुनील जी ने स्टे किया था। और रूम बहुत ही अच्छा है, विद एसी, सिटी एंड अरेंजमेंट अच्छा है काफ़ी। राम राम भाई। भाई अगले दिन की सुबह हो चुकी है, पूरी रात का सफ़र करा, दोबारा नोएडा से वापस आए थे। देखो भाई नज़ारा, सुबह 6 बज चुके हैं, 10-15 मिनट पहले आए थे, रात वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई थी। अब दिखाते हैं भाई पूरे दिन की दिनचर्या। ये रिसेट जी, पूरी रात मेहनत करी है, पूरी रात डरा बेचारा रास्ता में, कहीं गुलदार ना आ जा, कहीं कुछ ना आ जा। ठीक है भाई, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, जैसे भी होती बताते हैं आपको। ओके गुड। और देखिए ये मंदिर की चोटी पर जब ऊपर आते हैं दर्शन करने के लिए, ये दिखता है वहाँ पर जहाँ पर मन्नत के धागे बांधे जाते हैं, वहाँ से इनका व्यू, बहुत ही प्यारा एरिया है। और देखिए कितना स्वच्छ मंदिर है, कितनी शांति है, पीस ऑफ माइंड जिसे बोलते हैं ना, कि मन की तसल्ली के लिए या भगवान के दर्शन करने के लिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं हम। और वहाँ अगर वातावरण भी वैसा ही मिले तो उसके क्या कहने, ये तो आप बिल्कुल
सेटिस्फाई होंगे या मेरी बातों से एग्री करते होंगे। तो ये सिद्ध बलि मंदिर बहुत ही पौराणिक है, बहुत ही पुराना मंदिर है। यहाँ पर मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जो जिस तरह की श्रद्धा रखता है उसी तरह का उसे परिणाम मिलता है, ये तो आप मानते ही होंगे। तो जैसे ही सुनील जी गए थे वो बता रहे थे कि मतलब यहाँ पर गुड़ का प्रसाद चढ़ता है और वही हमें भोग में वापस मिलता है, और जिनके थ्रू ये गए थे वो मतलब, और सुबह की कम से कम 5 बजे या 5:30 बजे भी यहाँ पर कितना उजाला हो रहा है, सुबह ही आ गए थे ताकि लाइन वगैरह का कोई भी चक्कर ना हो, भीड़ हमेशा रहती है यहाँ पर, और हमेशा श्रद्धालुओं का आना जाना जिस हिसाब से जो आता है अपनी मन्नतों के हिसाब से। तो सुनील जी ने भी सुना था इस मंदिर के बारे में, और चलिए जो भी होते हैं भगवान खुद बुलाते हैं तब हमारा जाना होता है किसी भी तीर्थ स्थल पर, हम तो ये सब मानते हैं। तो बाबा जी ने बुलाया है और जाएंगे, और शायद शाम की आरती में जाना खुद भी आपको दिखाएंगे। श्री सिद्धपीठ हनुमान मंदिर, और ये जो हवन कुंड है इसमें जो मतलब जो धूप जो मिलती है उसे जलाते हैं, मन्नतों की चुनरिया होती है जिसे जो मांगना होता है वो हनुमान बाबा से यहाँ पर मांगते हैं और अपनी चुनरी बांध देते हैं। तो देखिए जैसे आप देख ही रहे होंगे कितनी ये घाटियाँ नदियाँ और उसके ऊपर इतना विशाल ये सिद्ध बलि हनुमान का मंदिर जो अपनी मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है, और इसकी अपनी एक कथा है जो आप जब नेट सर्च पे भी देख सकते हैं, अदरवाइज आप चाहेंगे तो मैं इनके बारे में भी बता सकती हूँ। भीड़ दोपहर के बाद बढ़ने लगती है लेकिन सुबह मॉर्निंग में आरती के टाइम पर बहुत अच्छा व्यू होता है, और देखिए साक्षात दर्शन कर लीजिए सिद्ध बलि जी के। और सुनील जी लेके आए हैं मेरे लिए ये वीडियो, उन्होंने बोला था आप यूट्यूब पर सभी मित्रों को, जितने आपकी फैमिली हैं फ्रेंड्स हैं सबको दिखाइए। तो जय बाबा की। हलवा पूरी का जो भोग था वो भी खाया सुनील जी ने, और यहाँ शाम की आरती के लिए सम्मिलित होंगे बाबा जी के। और यहीं के दूसरी तरफ एक गुरु गोरखनाथ जी का भी मंदिर बनाया गया है, इसकी और हनुमान बाबा की एक कथा है बड़ी ही प्रसिद्ध, अगर आप कहेंगे तो मैं आके जरूर वितरण करूंगी और विस्तार से बताऊंगी आपको इनके बारे में। तो चलिए, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये एक भंडारे का ऐसा स्थल है कि इसकी इस तरह की मान्यता है 2029 मतलब 2023 चल रहा है, यहाँ पर जितने भी भंडारे किसी को कराने होते हैं, ये एक फैमिली है जो आज भंडारा कराएगी, यहाँ पर बुकिंग चलती है। ये शायद आपको नहीं पता होगा इसलिए मैं एक आपको आज बता रही हूँ। जैसे तो जैसे ही आप सिद्ध बलि बाबा के दर्शन कर लेंगे उसके बाद बुकिंग करनी पड़ेगी, एक गुफा वाली बाबा का मंदिर है वहाँ पर इनकी मूर्ति बनी हुई है, पंडित जी उनके बारे में बताते रहते हैं। तो यहाँ से इन्होंने की थी पूजा, तिलक कराया था, और बाहुबली बाबा की सभी पर श्रद्धा इसी तरह से बनी रहे, और आशीर्वाद इनके बिना कुछ नहीं होने वाला है। तो सुनील जी ने ये मेरे लिए सपोर्टिंग वीडियो बनाई है कहीं भी गए, और आप सबको भी देखने के लिए मिला, कुछ नॉलेज मिली, और बाबा आपकी ऐसे ही कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखे। और इनसे कहूँगी जहाँ भी जाते हैं वीडियो वगैरह बनाकर मुझे दें ताकि मैं आप सबके बीच में शेयर कर सकूँ। तो चलिए, इन्जॉय किया होगा आपने। तो जैसा कि व्लॉग आपने देखा था, और आज का जो व्लॉग था सारा सिद्ध बलि बाबा के महाराज के उसका था, सुनील जी चले गए थे वो 2 दिन के स्टे के लिए गए थे, वहाँ पर भी कुछ फंक्शन भी था प्रोग्राम भी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना दर्शन करके ही आए, और बहुत अच्छा दर्शन था। हम तो फर्स्ट बार ही मैंने देखा है कि मतलब सुनील जी वहाँ गए थे, तो पहला एक्सपीरियंस उनका अच्छा रहा, आगे अपनी फैमिली को लेके जाएंगे, साथ में मिलते रहेंगे,
और बहुत अच्छे दर्शन मैंने तो वीडियो के जरिए कर लिए और आप सबको भी करा ही दिया, आपने देखा था। आई होप सो आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, उनकी मेहनत भी अच्छी लगी हो। देखिए कितना, मतलब जो आदमी अपने टाइम में बिजी रहता है, इंजॉयमेंट में बिजी रहता है, फ्रेंड्स के साथ बिजी रहते हैं, उसके बावजूद भी मेरे लिए वीडियो कैप्चर करी आप सबको दिखाने के लिए। तो चलिए इसी तरह से सबकी मनोकामना पूरी होती रहे, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। जो हनुमान के भक्त हैं वो तो बिल्कुल ऑब्वियस है, और मेरी फ्रेंड्स और फैमिली के लिए ये नया व्लॉग था। और चलिए बाय बाय एवरीवन, इस व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स एनी टाइम। बाय बाय एवरीवन।